उत्तर प्रदेश में नलकूप ऑपरेटर की आज होने वाली परीक्षा से पहले ही हिंदी का पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। फिलहाल परीक्षा रद्द होने के बाद पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए गए हैं। यूपीएसएससी के अध्यक्ष सीबी पालीवाल ने बताया कि जल्दी ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। पालीवाल साहब, हम जानना चाहेंगे कि पेपर लीक होने की सूचना आप लोग कब मिली और कहां से पेपर लीक हुआ ये? एक्चुअली ये लगभग रात को अभी 9 बजे हमको एक व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि ये पेपर लीक हुआ है, या तो इसका ज़रा चेक करा लें कि कल का ही पेपर है या नहीं है। तो वो हमने चेक करने के लिए भी भेजा और एसएसपी एसटीएफ को भी मैसेज किया, क्योंकि जैसे ही हम उसको चेक करने के लिए फॉरवर्ड करने लगे तो उसने विड्रॉ कर लिया वो पेपर, डिलीट कर दिया उससे। तो खबर तो 9 बजे और 9:30 के करीब करीब आने लगी थी रात को, और फिर हम लोगों ने चेक कराया कि वो पेपर वाकई में वही है जो 2 तारीख को होने वाला है। और जब हम लोग ये कंफर्म हो गए कि हाँ ये 2 तारीख को होने वाला ही पेपर है जो कि व्हाट्सएप पे भेजा गया है, तो डेफिनेटली पेपर लीक हुआ है। और इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो है वो हम स्थगित कर देते हैं परीक्षा, और उसके बारे में अगली तिथि हम जल्दी ही घोषित करेंगे।